हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन होममेकर। आज मैं बात करूंगी लोटस हर्बल्स वाइट ग्लो स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग हैंड एंड बॉडी लोशन के बारे में, जिसका SPF है 25 और इसका जो PA है, जो प्रोटेक्टिव ग्रेड टू सनस्क्रीन है, वो है 3++। तो सबसे पहले प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो लिखा गया है कि इट हैज़ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड फॉर्मूला टू प्रोवाइड ट्रिपल एक्शन, दैट इज स्किन लाइटनिंग, वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग विद द हेल्प ऑफ रेयर फ्रूट एक्सट्रैक्ट दैट पेनिट्रेट्स डीप इनटू योर स्किन। और इसका जो रिजल्ट है वो होता है सॉफ्ट, फेयर एंड रेडिएंट स्किन। कहते हैं कि डायरेक्शंस टू अप्लाई क्या है। तो आइडियली आपको इसे शावर लेने के बाद लगाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त आपकी स्किन जो है वो डैम्प होती है, वेट एंड डैम्प होती है, तो इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है। आपको फोकस करना चाहिए आपके जो ज़्यादा ड्राई एरियाज हैं, लाइक हैंड, एल्बो और नीज, इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहाँ की स्किन कॉम्पिटेटिवली ज़्यादा डार्क होती है। अब इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें है ल्यूकोराइस, ग्रीन टी एंड ग्रैप्स। तो ल्यूकोराइस की बात करें तो ये बिल्कुल ही नया टर्म है। ल्यूकोराइस एक मेडिसिनल प्लांट का रूट होता है, जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और उसका ये इफ़ेक्ट है कि जो आपकी बॉडी पर डिस्कलरेशन या टैन हुआ है या कोई डार्क स्पॉट है या एज स्पॉट्स हैं, उनको वो हील करता है, उनको वो उनसे आपकी स्किन को हील करता है। और नेक्स्ट, आपकी स्किन पे कोई डार्क स्पॉट क्रिएट ना हो, उससे भी आपकी स्किन को बचाता है। एक इसकी पैकेजिंग काफ़ी क्यूट है, ये एक अट्रैक्टिव वाइट कलर का बॉटल है और ये काफ़ी स्टर्डी बॉटल है। और इसके साथ एक पंप डिस्पेंसर दिया गया है, जिससे कि आप इसे बॉडी लोशन को बाहर निकाल सकते हैं। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इसको आपको जेंटली अपने हैंड एंड बॉडी पे अप्लाई करना है। आप इसे अच्छी तरह से मसाज करके अपनी हैंड पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे जो इसका रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा आएगा। कि अब इसकी फ्रेगनेंस की बात करें तो इसका फ्रेगनेंस फ्रूटी फ्रेगनेंस है, जो साइट्रस फ्रूट होते हैं उनके फ्रेगनेंस जैसा है। एंड इट्स क्वाइट गुड, क्योंकि ये 5 मिनट्स में इसका फ्रेगनेंस चला जाता है। 300 ml का बॉटल आपको 295 rupees में मिलता है। अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हो तो आपको वहाँ से थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाता है। इसका जो ये वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग क्लेम है, ये कितना सही है ये भी देख लेते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि इसका ब्राइटनिंग एंड वाइटनिंग क्लेम जो है वो पूरी तरह से गलत है, बट हाँ, ये जो वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट है ये बहुत ही कम देर के लिए रहता है, लाइक 1 to 2 hours। और जैसे ही मैं पानी में अपने हाथ को वॉश करूँगी, हैंड वॉश करूँगी, तो ये चला जाता है। हाँ, आपकी स्किन सॉफ्ट ज़रूर रहती है, लेकिन ये ब्राइटनिंग एंड वाइटनिंग काफ़ी ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है। आपकी स्किन को ये टैनिंग से बचाता है। आप अगर विंटर्स में धूप सेकते हैं तो आप इसे लगा के धूप में बैठ सकते हैं, क्योंकि इसमें SPF 25 है, तो ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट द हार्मफुल रेज ऑफ सन। अब इसके बेनिफिट्स की बात कर लें तो ये स्किन में इजिली एब्जॉर्ब हो रहा है। इसका जो लिटिल अमाउंट है वो सफिशेंट है आपकी पूरी बॉडी को कवर करने के लिए। इजिली अवेलेबल है, नाइस पैकेजिंग है, जो ब्रांड नेम है वो काफ़ी अच्छा है। एंड इट गिव्स अ गुड इम्पैक्ट दैट ओके वाओ, यू आर यूजिंग अ बॉडी लोशन फ्रॉम लोटस, ओके फाइन, दैट्स ग्रेट। तो लोग इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं आपको। इसमें SPF 25 है, इसमें SPF है, तो ये भी एक अच्छी क्वालिटी है। और आपकी स्किन को ये पूरे दिन के लिए सॉफ्ट बनाए रखता है, जो मुझे इसकी सबसे अच्छी चीज़ लगी है अभी तक। जो नेगेटिव पार्ट है वो ये है कि इसमें पैराबिन है, और अगर आप पैराबिन फ्री प्रोडक्ट चाहते हैं तो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। और इसका जो प्राइस है वो लिटिल हायर साइड पे। ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि इट्स अगेन अ वेरी गुड प्रोडक्ट फ्रॉम लोटस हर्बल्स। और अगर आप अपनी स्किन को पूरे दिन सॉफ्ट एंड सपल रखना चाहते हो तो आप इसे यूज़ करिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई एंड सेंसिटिव है तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। वैसे तो लिखा गया है कि इट्स फॉर ऑल स्किन टाइप्स, लेकिन जो ड्राई स्किन ब्यूटीज़ हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रिव्यूज़ अच्छी लगती हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं ऐसे ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती रहूँगी। टिल देन, बाय, टेक केयर।